इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस रियलमी 3 के बारे में, रियलमी 3 वर्सेज रियलमी U1 के बारे में बात करने वाले हैं। रियलमी 3 मेरे हाथ में, रियलमी U1 से आपको साउंड रिकॉर्ड हो रही है, जिससे तुमको साफ सुथरी थोड़ी बहुत अच्छी आवाज़ मिल रही है। सो कैसे आप रखा हुआ रियलमी U1 का। एनीवेज गाइस बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो रियलमी 3 जो है वो सक्सेसर है रियलमी 2 का, जो कि आपको तकरीबन से 4 महीने पहले रियलमी ने लॉन्च किया था इंडिया में। और रियलमी जितने भी मोबाइल लॉन्च करते हैं इंडिया फर्स्ट रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग सबको पहली बार यूज़ करने को मिलता है रियलमी के मोबाइल्स। और 9 महीने पहले इसने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया था, और 9 महीने में बहुत ज़्यादा कमाला काम किया है। इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रप्टिव मोबाइल कंपनी बन गया। लेकिन गाइस फिर भी रियलमी 3 बहुत अच्छा मोबाइल भी, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम भी हैं। सो उन सभी के बारे में बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले रियलमी 3 वर्सेज रियलमी U1 के बारे में। इसकी जो प्राइसिंग है गाइस आपको 9000 रुपीज़ है। 3+32GB का रैम वेरियंट है, और रियलमी U1 की जो प्राइसिंग है वो 11000 हो गई है। सो वो भी आपको 3+32GB वेरियंट है। सो कंपैरिजन थोड़ा सा 2000 का प्राइसिंग का फ़र्क है, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि कंपेयर कर दो, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। और गाइस चैनल पे आप रियलमी 3 का अनबॉक्सिंग भी देख सकते हो, और गिव अवे भी चल रहा है। सब उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना, और शायद आप गिव अवे भी जीत सकते हो इसको। और गाइस रियलमी 3 में बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी आए हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली रियलमी से मांगा था। और अच्छा लगता है जब कोई ब्रांड यूज़र की सुनता है। और इसमें आपको कैमरा 2 API और बूट लोडर अनलॉक पहले से आपको है, इनेबल है, जिसकी वजह से हम लोग गूगल कैमरा इसमें यूज़ कर सकते हैं। और गूगल कैमरा के ऊपर मेरी एक वीडियो आ चुकी है, सो अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लो, रियलमी 3 में कैसे आप गूगल कैमरा डाल सकते हो। सो गाइस बात कर लेते हैं अपने दोनों मोबाइल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। सो गाइस डिज़ाइन रियलमी U1 का बहुत कमाल का है, स्टेरी लुक है। नीचे में आपको ग्रेडियंट फिनिश है, ऐसे में देख रहा हूँ तो पर्पल दिख रहा है, ऐसे देखूंगा तो ब्लू दिखेगा। आपको काफ़ी अच्छा स्लिक बॉडी है, हल्का हल्का स्क्रैच भी उसमें आना शुरू हो गया है। लेकिन गाइस फिर भी स्क्रैच है, क्या सीन है कि आपको कवर लगाओगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, इन हैंड बहुत क्लासी। मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो, अगर आपने वीवो का V9 यूज़ किया है तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है को होल्ड करने में। और गाइस अगर बात करते हैं रियलमी U1 के डिज़ाइन की, तो वहाँ पे आपको गोल्ड पिलर डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और ऑन द अदर हैंड गाइस रियलमी U1 का जो डिज़ाइन है वो आपको रियलमी 2 प्रो से काफ़ी मिलता जुलता है। सो और गाइस अगर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में रियलमी 3 में 6.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा। इसमें चिप भी थोड़ी सी बड़ी है रियलमी U1 के मुकाबले, और रियलमी U1 में आपको मिल जाएगा 6.3 इंच का। ये आपको HD+ का डिस्प्ले है। डिस्प्ले उतना बेकार नहीं दिखता है, लेकिन काफ़ी अच्छा फास्ट फेशन हो गया इसका। और गाइस जो डिस्प्ले की ऑप्टिमाइजेशन की गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, मतलब कि HD+ के हिसाब से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है इसकी। ऑन द अदर हैंड गाइस रियलमी U1 में Full HD+ की डिस्प्ले, और Full HD+ की डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी होती है। सो रियलमी U1 यहाँ पे बाजी मारता है। लेकिन गाइस फिर भी मेरे को लगता है कि इसमें डिस्प्ले में इतना प्रॉब्लम नहीं है। कलर पंची है इसके, और व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे को सारा कलर इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है। सो व्यूइंग एंगल्स और इसमें जो ब्राइटनेस की लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, और अंडर द सनलाइट भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी गाइस मुझे लगता है कि रियलमी 3 का जो सबसे बड़ा कॉन है उसका ये डिस्प्ले ही है। आपको रियलमी को कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पे, और Full HD+ का डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन शायद हो नहीं पाया ये। और गाइस अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों ही मोबाइल में आपको, मैं ऐसे बार बार ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रियलमी U1 रखा हुआ है। सो प्रोसेसर में आपको मिल जाएगा P70, हीलो का P70 काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है मेरे ख्याल से। AI कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। और गाइस रियलमी 3 में आपको ऑप्टिमाइज्ड AI कैपेबिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन डिटेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वही दूसरी तरफ आपको रियलमी U1 में कोई भी स्क्रीन डिटेक्शन वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ColorOS 6 के अपडेट के बाद मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर अभी के लिए बात करें तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइस। और स्मूथ के अलावा इसका जो ColorOS 6 है, एक सेकंड में ब्राइटनेस को ठीक कर देता हूँ, जो इसका ColorOS 6 है बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइस। और मेरे ख्याल से रियलमी U1 का परफॉर्मेंस इतना स्मूथ नहीं है, और परेशानी आती है। सो ये जो चीज़ है वो फिक्स हो जाएगी रियलमी U1 की ColorOS 6 और एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट मिल जाएगा इसमें तब, और अपडेट कन्फर्म है। लेकिन अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो दोनों मोबाइल में PUBG बहुत आसानी से चल जाता है। मैंने PUBG बहुत बार खेला है दोनों मोबाइल में, मतलब इसको 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसको 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरे ख्याल से PUBG का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और गेमिंग के वक्त हीलो P70 लैग नहीं करता, हल्का फुल्का जो फ्रेम ड्रॉप होता है गाइस वो तो मिलता ही रहता है सारे मोबाइल में, लेकिन गाइस गेम प्ले में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और दूसरी तरफ आपको रियलमी 3 में भी कभी कोई गेम में परेशानी नहीं आई मेरे को, और मैं अभी स्टिल को टेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ColorOS 6 के बाद इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम 3-4 गुना बढ़ गया है। और गाइस अगर बात करते हैं दोनों मोबाइल के कैमरा की, सो गाइस ओके
सो गाइस कैमरा में इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, आपको यहाँ पे रियलमी का नया एक रियलमी रिंग भी दिया हुआ जो कि बड़ा कूल सा लगता है मेरे को और थोड़ा सा नया लुक देता है। और गाइस आपको यहाँ पे रियलमी यू1 में भी सेम 13+2 मेगापिक्सल सेंसर है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब इसका जो अपर्चर आपको 1.8 का अच्छा वाला अपर्चर है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेडेड अपर्चर कह सकते हो तुम इसको, और आपको यहाँ पे रियलमी यू1 में 2.2 वाला है। सो गाइस इसका जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इन कंपेयर टू रियलमी यू1 में थोड़ा सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसमें आपको नेचुरल कैप्चर ज़्यादा अच्छा कर देता है। आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन देख रहे होगा आपको समझ में आ रहा होगा पक्की बात है। और गाइस अगर बात करते हैं इसके सेल्फी की, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके एक नया मोड है जो नाइट स्केप मोड है। सो गाइस नाइट स्केप मोड जो है इसका वो बहुत ज़्यादा कमाल का है मेरे ख्याल से। अब बहुत सारे मैंने नाइट स्केप मोड यूज़ किया है, ऑनर 8X में भी यूज़ किया था, लेकिन गाइस इसका मेरे को नाइट स्केप मोड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और गाइस इसका जो यूजर इंटरफेस वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आया है ColorOS 6 का। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ColorOS 6 आपको रियलमी U1 पे, 2 Pro पे, C1 पे, सब पे आ जाए, ताकि इसका जो परफॉर्मेंस लैग इशू है, UI लैग इशू है, वो सबका फिक्स हो जाए। और गाइस अगर बात करते हैं इसके अब सेल्फी कैमरा की, गाइस सेल्फी कैमरा के लिए रियलमी U1 सेल्फी प्रो है, इसका टैग लाइन था सेल्फी प्रो, और 25 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी है, और गाइस गजब की सेल्फी लेता है ये, फ्लैगशिप सेल्फी। और ऑन द अदर हैंड इसका जो सेल्फी कैमरा है, वैसे गाइस इन दोनों फ़ोन का फेस अनलॉक बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सो इसका जो सेल्फी कैमरा वो ठीक ठाक सा है, मतलब कि बहुत कमाल का नहीं है और बहुत बेकार नहीं, लेकिन हाँ ठीक से फोटो लेते। एक फ़ोटो मैं अभी लेकर दिखाता हूँ आपको, पोर्ट्रेट मोड पे था ये, और अगर इसमें आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सेल्फी के मामले में गाइस रियलमी U1 से कोई जीत नहीं सकता है, कोई मतलब कि बहुत सारे मोबाइल आए और गए लेकिन रियलमी U1 को कोई हरा नहीं पाया। सो गाइस 25 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इसमें फ्लैगशिप सेल्फी कहता हूँ मैं इसको, और सच में ये फ्लैगशिप सेल्फी वाला सेंसर है इसमें, सोनी का 476 सेंसर था जो कि बहुत कमाल का था। और गाइस अगर बात करते हैं गाइस इसके इंटरनल्स की, तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड का 9 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 8 है, ColorOS 6 है, यहाँ पे ColorOS 5.2 है। सो इसके मामले में तो आपको नया वाला रियलमी 3 ही जीतेगा। और गाइस अगर बात करता हूँ मैं इसके और एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो सेंसर के मामले में दोनों ही मोबाइल में बिल्कुल सेम टू सेम सेंसर्स हैं, आपको सेम टू सेम ड्यू ड्रॉप नॉच है, चिन इसकी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन चिन के बारे में कोई बात उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। और गाइस अगर बात करते हैं बैटरी की दोनों मोबाइल में, तो रियलमी 3 गाइस बैटरी बीस्ट कह सकते हो तुम इसको, क्योंकि इसका जो बैटरी है आपको 4-3000 mAh की बैटरी है, और आपको रियलमी U1 में 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है। रियलमी U1 मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ, और इसकी जो बैटरी बहुत ज़्यादा कमाल की नहीं है, मतलब एक दिन निकाल लेता है आराम से। और इसमें जो फुल HD प्लस डिस्प्ले है उसकी वजह से जो आपको स्क्रीन पे जो बैटरी खर्च होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड रियलमी 3 में आपको यहाँ पे HD प्लस का स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, और आपको यहाँ पे जो MediaTek का P70 प्रोसेसर वो आपको बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है। सो इसकी जो बैटरी आराम से 1.5 दिन चल जाती है, और नॉर्मल यूज़ पे आराम से करोगे तो 2 दिन निकाल देगा। अभी इसकी बैटरी आपको 39% है, और बिलीव मी गाइस मैंने कल इसको कल सुबह में चार्ज किया था और अभी तक चल रहा है। सो मैं आपकी बैटरी टेस्ट कर रहा हूँ इसका, और बेसिकली इसमें मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब हार्ड कोर गेमिंग नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए नॉर्मल यूज़ के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी इसको। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस है इसका। और गाइस मेरे ख्याल से रियलमी को यहाँ पे C पॉइंट जरूर देना चाहिए था, लेकिन C पॉइंट उन्होंने नहीं दिया। C पॉइंट नहीं दिया कोई बात नहीं, अब फास्ट चार्जिंग भी नहीं दिया उन्होंने, और फास्ट चार्जिंग और इसका जो HD प्लस का डिस्प्ले है वो सबसे बड़ा कौन है रियलमी C1 का, रियलमी 3 का, और इसके बारे में बात करेंगे, एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है। सो गाइस अगर बात करते हैं कंक्लूजन के दोनों ही मोबाइल में, तो रियलमी 3 एक परफेक्ट मोबाइल है गाइस बजट कैटेगरी का, 9000 के हिसाब से बेस्ट मोबाइल है अंडर 9000 रुपीज़। और गाइस इसको अगर लेते हो तुम तो कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार क्या ले लिया, क्या बेकार फ़ोन है यार, इस टाइप का कोई सीन कभी नहीं होगा, क्योंकि आई बेट गाइस कि इसमें जो ColorOS 6 है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बस सिवाय इसका जो ये चाइल्डिश सा जो बेकार सा है वो बहुत घटिया लगता है मेरे को, लिटरली मतलब घटिया वर्ड इसके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया, लेकिन फिर भी ये पक्की बात है कि इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने बात की रियलमी वालों से और उन्होंने बोला कि हाँ इसको पक्का इम्प्रूव कर देंगे, इसको जो चकूटा वाला जो है, चकूटा कह लो इसको, गोल 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 मिनिमल जो होता है एंड्रॉयड 1 वाला नोकिया के फ़ोन में, उस टाइप का करवा देंगे। सो अगर वो हो जाता है तो इस मोबाइल को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मार्क मैं दे दूंगा ColorOS के हिसाब से। और अगर ऑन द अदर हैंड रियलमी U1 की अगर बात करें, तो इसमें आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले बहुत कमाल की, बैटरी ऑप्टिमाइज भी काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसका,
कैमरा में आपको रियर कैमरा आपको पहचान करेगा, रियर कैमरा की जो वीडियो हो तो बिल्कुल क्रैप वीडियो होती है, लेकिन हाँ रियर कैमरा के जो फोटोज होते हैं वो ठीक होती हैं। और सेल्फी कैमरा बिल्कुल फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप इन सेंस की बहुत कमाल की सेल्फी लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी, डिटेलिंग बहुत अच्छी करता है, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ बेसिकली इसके साथ सेल्फी लेते और इसकी सेल्फी भी ठीक ठाक है, मतलब इसके मुकाबले कुछ नहीं है। सो आई थिंक गाइज मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एक सेल्फी वाला फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले चाहिए तो आप रियलमी यू वन तरफ जा सकते हो। अगर आपको बजट कैटेगरी में 9000 का बिल्कुल टाइट बजट है तो आप इसको ये ले सकते हो, रियलमी 3 बहुत अच्छा फ़ोन है, डिजाइनिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। सो गाइज आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके आप अपना लव जता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, और सब्सक्राइब कर देना, बाय।